चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं और बेल आइकन घंटी को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो छात्र हैं, फोर्थ सेमेस्टर में हैं, वो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अच्छे ढंग से देखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का फोर्थ सेमेस्टर में पूछे जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहा हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो है आपका के मैप, करनौप मैप। तो के मैप पे आज वीडियो बनाया गया है। तो जो लोग फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हैं या कोई भी सेमेस्टर का हैं, वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो आप लोग को डाला जाए तो मिले सबसे पहले आपको। तो एग्ज़ाम में फोर्थ सेमेस्टर में पूछे जाने वाला के मैप 8 नंबर का कम से कम भी पूछा जाता है, 1-6 नंबर का और 1-2 ऑब्जेक्टिव में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, के मैप से। तो के मैप आप लोग को किस तरह से बनाया जाता है, इस वीडियो में हम पूरा का पूरा बताएंगे। फोर्थ सेमेस्टर में आपका पूछा जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग के मैप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि सॉल्विंग लॉजिकल इक्वेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 बेसिक टेक्निक यूज करते हैं, कौन कौन? एक है बुलियन अलजेब्रा और दूसरा है के मैप। तो सॉल्विंग लॉजिकल इक्वेशन को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 बेसिक टेक्निक दिया गया है। फर्स्ट है बुलियन अलजेब्रा, सेकंड है आपका करनौप मैप, मींस के मैप, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो जिसे के मैप भी कहा जाता है। क्या? करनौप मैप का के मैप भी कहा जाता है। तो हमारा क्लास है जो के मैप का है, तो आपका सेमेस्टर में के मैप से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग बेसिक मेथड नहीं जानेंगे तब तक कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जिस तरह से हम लोग बेसिक मेथड को बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से बने रहिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी के साथ के मैप को सॉल्व कर सकेंगे। के मैप आप लोग को टेढ़ा लगता होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कैसा भी के मैप दे दें तो आप लोग बना दीजिएगा। तो अब चलते हैं आगे हम लोग। सॉल्विंग वाई के मैप लॉजिकल इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको 2 फॉर्म होते हैं, एक कैनोनिकल सॉप और एक कैनोनिकल पॉज फॉर्म। तो एक क्या होता है सॉप, इस सॉप को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सॉप को? SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और इसे मिन टर्म ही कहा जाता है। क्या? कैनोनिकल सॉप को, SOP को क्या कहा जाता है? मिन टर्म कहा जाता है। और कैनोनिकल पॉज को क्या कहा जाता है? मैक्स टर्म भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सॉप के बारे में देखते हैं कि सॉप होता क्या है। तो सॉप होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, क्या? प्रोडक्टों का सम होता है, जैसे AB + BC + CD, ये क्या है? प्रोडक्टों का सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, इसका एग्जांपल ये हो गया। अब इसका सिंबल होता है क्या? σm, इस तरह से सिंबल होता है। तो आपका एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, σm बराबर कोई वेरिएबल दे देगा, ABCD 4 वेरिएबल दे देगा और आपका बनाने के लिए देगा के मैप इस तरह से। तो आपका सिंबल क्या हो गया? σm। अब इन सॉप कह रहा है कि इन सॉप ए बराबर इसमें 0, A1 लेते हैं और ए बार बराबर क्या हो जाता है? 0। सॉप फॉर्म में क्या? ए बराबर हम लोग 1 लेते हैं और ए बार बराबर क्या लेते हैं? 0। हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इस पे देखेंगे किस तरह से लिया जाता है। तो आप लोग के इतना याद रखिएगा कि सॉप को मिन टर्म बोलते हैं और मिन टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं? तो σm से। और सॉप को किस फॉर्म में लिखा जाता है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग के में बनाएंगे तो इसी फॉर्म पे उसका इक्वेशन लिखेंगे। अब आता है कैनोनिकल पॉज, मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम।
प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म। तो इसका सिंबल क्या हो जाता है, इसका सिंबल हो जाता है पाई एम। क्या हो जाता है, पाई एम। तो इस को हम लोग कॉस में क्या लेते हैं, ए बराबर जीरो और ए बार बराबर वन, उसका उल्टा लेते हैं, सब का उल्टा हो जाएगा इसमें। और इसको किस तरह से लिखते हैं, इसका देखिएगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ए बी, ए क्या हो गया समो का प्रोडक्ट, इनटू बी प्लस सी। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो अब आप लोग चलते हैं के मैप पे कि के मैप होता क्या है। तो के मैप पे हम लोग आते हैं। तो के मैप का डिफिनेशन है, द के मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डैट प्रोसेस ए सिस्टमैटिक मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन। कह रहा है कि के मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो इसको प्रोसेस क्या कोई भी मेथड को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है, मींस होता है। और के मैप को डेवलप किया गया था 1993 ईस्वी में, करनोप एक वैज्ञानिक थे, वो 1993 ईस्वी में इसको खोज किए थे। तो आप लोग को के मैप बताया गया, इन के मैप मेथड बी रिड्यूस द कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल। कह रहा है कि के मैप मेथड में हम लोग क्या चीज़ को रिड्यूस करेंगे, कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल को रिड्यूस करेंगे, एंड लिखेंगे किसको, एंड राइट द ओनली कॉमन वेरिएबल इन शॉप, या किसको बोलते हैं मिन टर्म, और पॉस को क्या बोलते हैं मैक्स टर्म। तो शॉप और पॉस फॉर्म के मैप इज यूज्ड इन ग्रे कोड, और के मैप को क्या कहते हैं, ग्रे कोड में लिखा जाता है। तो यही कह रहा है कि के मैप मेथड बी रिड्यूस द कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल, कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल को हम लोग रिड्यूस करेंगे और लिखेंगे सिर्फ कॉमन वेरिएबल को। जब हम लोग देखेंगे एग्जांपल बनाएंगे उसमें देखेंगे कि कम्प्लीमेंट्री वेरिएबल है उसको रिड्यूस करेंगे और लिखेंगे सिर्फ कॉमन वेरिएबल को, सिर्फ लिखेंगे इसमें शॉप फॉर्म में लिखेंगे या पॉस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, मैप का यूज किस में करते हैं, ग्रे कोड में करते हैं। तो रूल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि के मैप का वेरिएबल कितना वेरिएबल से होता है। तो सबसे पहले टू वेरिएबल के मैप के बारे में जानेंगे। तो टू वेरिएबल के मैप, फोर एन वेरिएबल के मैप, टू के पावर एन सेल्स आर रिक्वायर्ड देयर फॉर टू वेरिएबल के मैप टू के पावर टू। टू वेरिएबल है तो टू के पावर एन सेल कह रहा था, तो एन का जगह कितना रखेंगे टू, तो टू के पावर टू बराबर कितना फोर सेल्स भी रिक्वायर्ड। तो जब दो वेरिएबल के मैप आपका दिया हुआ रहेगा तो चार सेल्स बनेगा, चार सेल्स बना दिए हम। अब दो वेरिएबल है, क्या वेरिएबल है, ए एंड बी, तो ए इधर लिखेंगे और बी इधर लिखेंगे। अब दो ही वेरिएबल है तो एक जीरो और एक वन, जीरो और वन। तो जब जीरो, इसका नाम देखेंगे किस तरह से लिखेंगे, जीरो जीरो इसमें फर्स्ट सेल का नाम हो गया, जीरो वन सेकंड सेल के, वन जीरो वन जीरो, यहाँ वन जीरो वन जीरो वन वन, ये सेल हो गया। अब इसी को जीरो के क्या बोलते हैं, ए बार, और वन को क्या बोलते हैं ए। अभी अभी बताएगा कि इन शॉप फॉर्म ए बराबर वन और ए बार बराबर जीरो। तो देखिए क्या वेरिएबल दो था ए एंड बी, तो जीरो को क्या हो जाएगा ए बार, वन का क्या ए, जीरो का बी बार, इधर बी वेरिएबल का है, वन का बी। तो जब इसका नेमिंग देखिएगा किस तरह से लिखते हैं वेरिएबल में, तो ए बार और ए बी बार, तो ए बार बी बार, ए बार ए बी, तो ए बार बी, और ये इसका ए बी बार, ए बी बार, और इसका ए बी। तो इस तरह से नेमिंग लिखते हैं। और किस तरह से नेमिंग लिख सकते हैं, एक तरह से और है क्या, जीरो जीरो, तो जीरो जीरो को गोरखकर्ण में कितना होता था वन, और जीरो वन, तो जीरो वन को क्या हो जाएगा, इसको जीरो जीरो जीरो, और जीरो वन वन, और वन और जीरो, वन और जीरो को कितना हो जाएगा डिजिटल में देखिए दो, ग्रे कोड में, और वन 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 कितना हो जाएगा तीन, किस तरह से वन, और टू कितना हो गया थ्री। तो इस तरह से आप लोग नेमिंग लिख सकते हैं। अब आते हैं थ्री वेरिएबल के मैप। तो थ्री वेरिएबल के मैप में टू कंस्ट्रक्ट थ्री वेरिएबल के मैप टू के पावर थ्री, कितना भी दे दिया रहे तो टू के पावर एन होता है। तो थ्री वेरिएबल तो टू के पावर थ्री, तो एट सेल,
थ्री वेरिएबल में आठ सेल बनेगा, आठ बॉक्स बनेंगे। तो आठ बॉक्स किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से भी बना सकते हैं आठ बॉक्स, और इस तरह से बना सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा फोकस इस पे करते हैं, आसानी रहता है। तो एक वेरिएबल इधर और दो वेरिएबल इधर, जब इस वाला बनाइएगा तो दो नीचे लेना पड़ेगा, एक ऊपर लेना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल ए इधर ले लिया और दो वेरिएबल ऊपर को और ले लिया, तो क्या हो गया आपका बी और सी। तो इसका नेमिंग नेम दे दीजिए जीरो वन, और इसका क्या हो जाएगा जीरो 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 वन 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 जीरो, इस तरह से नाम दिया रहता है। एक बिट चेंज होना चाहिए, तो जीरो जीरो है तो इसमें एक बिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो वन, फिर इसमें वन बिट चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं तो वन वन हो जाएगा। अब इसमें एक बिट चेंज करते हैं ग्रे कोड के अनुसार, तो इसको चेंज हो रहा सेम रह रहा, ये चेंज हो जा रहा तो वन जीरो। तो इसी तरह से हम लोग नाम लिखते हैं, तो इस बॉक्स का नाम लिख देते हैं जीरो जीरो जीरो, तो क्या आ जाएगा जीरो 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 वन, तो वन जीरो वन वन, तो क्या हो जाएगा जीरो वन वन, तो क्या हो जाएगा थ्री जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो, तो इसका कितना हो जाएगा टू वन जीरो जीरो, तो वन जीरो जीरो कितना होता है चार होता है, आप लोग पढ़े होंगे बताए भी हैं। वन 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 तो क्या होगा वन 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 कितना सेवन, वन वन जीरो तो कितना सिक्स। तो इस तरह से इसका नाम नेम दिया हुआ रहता है सभी सेल्स का। अब आते हैं फोर वेरिएबल के मैप, फोर वेरिएबल के मैप में कितना सेल बनेगा टू के पावर फोर, तो सोलह सेल, तो सोलह सेल आपको इस प्रकार बनेगा। तो दो वेरिएबल नीचे दो वेरिएबल ऊपर, तो इसका नाम लिखिए जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन 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 जीरो। तो इस तरह से आप लोग का बॉक्स बनेगा और नामिंग दिया रहेगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे जीरो 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 तो क्या आएगा जीरो 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 वन, तो इसका नाम वन जीरो जीरो वन वन, तो इसका क्या हो जाएगा नाम थ्री जीरो जीरो वन जीरो, तो इसका नाम टू। इस बॉक्स का नेमिंग लिख रहे हैं तो किस तरह से लिख रहे हैं देखिएगा, इधर से इधर जाते हैं ए बी, उसके बाद क्या सी डी ना होगा यहाँ, सॉरी सी डी, ए सी डी बन जाएगा सी डी, दो वेरिएबल तो ले ही लिए थे ऊपर, यहाँ सी डी बनेगा। तो इस प्रकार आपका होगा सी डी, तो जीरो 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 वन जीरो जीरो, तो यहाँ कितना हो जाएगा चार जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, तो इसका नाम क्या हो गया पाँच एक दो चार आठ, तो एक वाला को ऐड करते हैं जीरो वाला को ऐड नहीं करते हैं, तो चार एक पाँच, तो पाँच हो गया। अब आता है इसका इस बॉक्स का, तो जीरो वन जीरो वन यहाँ वन वन, तो क्या हो जाएगा आपका सात हो जाएगा। अब जीरो वन जीरो वन और वन जीरो, तो आपका क्या हो जाएगा छः हो जाएगा, इस बॉक्स का नाम छः हो गया। अब वन वन जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, तो क्या हो गया आपका बारह हो गया। वन वन जीरो वन, तो ये आपका क्या हो गया आठ चार बारह एक तेरह हो गया। वन 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 वन, तो आपका क्या हो गया पंद्रह हो गया। वन 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 जीरो, तो आपका क्या हो गया आठ चार बारह दो चौदह हो गया। वन जीरो जीरो जीरो, तो आपका क्या हो गया आठ हो गया, इस बॉक्स सेल का नाम आठ हो गया। वन जीरो जीरो वन, इस बॉक्स का, तो इसका नौ हो गया। वन जीरो वन 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 जीरो वन वन, तो इस बॉक्स का नाम कितना हो गया आठ, आठ दो दस एक ग्यारह हो गया। और लास्ट है आपका वन जीरो वन जीरो, तो आपका दस हो गया। तो इस तरह से सेल का नेमिंग लिखते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे टू वेरिएबल में कितने सेल बनेंगे, थ्री वेरिएबल में कितने सेल बनेंगे और फोर वेरिएबल में कितने सेल बनेंगे, और किस तरह से आप लोग का सेल का नाम लिखना होता है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। आपका एग्जाम में इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि फोर वेरिएबल के में बनाएं, तो हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे उस, तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। तो अब आते हैं हम लोग रूल फॉलोड फॉर के मैप सिंप्लीफिकेशन। जब के मैप को सिंप्लीफाई करते हैं तो किस प्रकार का रूल होता है, तो सबसे पहला रूल है आपका ग्रुप डू नॉट इंक्लूड एनी सेल कंटेनिंग ए जीरो। जब ग्रुप हम बनाएंगे, ग्रुप लेंगे, तो जीरो को कंटेन नहीं करेंगे, वन को करेंगे। और जब वन को करेंगे पोस्ट फॉर्म में, तो जीरो
जीरो का करेंगे तो वन को नहीं लेंगे, तो आपका सेम होना चाहिए। जैसे ये देखिए जीरो जीरो का है, इसका ग्रुप होगा तो नहीं होगा, ये गलत है आपका। ये क्या होगा, वन वन का ग्रुपिंग होगा सेम कोऑर्डिनेट का। तो अब आते हैं हम लोग सेकंड रूल पे। सेकंड रूल आपका है, ग्रुप में भी हॉरिजेंटल या वर्टिकल बट नॉट डायगोनल। कह रहा है कि ग्रुप चाहे हॉरिजेंटल में हो या वर्टिकल में हो, लेकिन डायगोनल नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस प्रकार का ग्रुप कभी नहीं बनता है, तो ये गलत है। आप लोग एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा कि डायगोनल में ग्रुप बना दीजिएगा। जब भी बनेगा आपका तो इस प्रकार हॉरिजेंटल में बनेगा चाहे वर्टिकल में बनेगा, तो इस प्रकार का ग्रुप बनाया जाता है। तो आप लोग का दो रूल। अब आते हैं नेक्स्ट रूल, तीसरा ग्रुप। ग्रुप मस्ट कंटेन 1, 4, 1, 2, 4, 8 या 2 के पावर n सेल। तो जब भी ग्रुप बनेगा तो वन ग्रुप बनेगा या दो का ग्रुप बनेगा या चार का या आठ का, इस तरह से बनेगा। 3, 5, 7 इस तरह का ग्रुप नहीं बनेगा। जिस तरह देखिए एक ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ 3 का ग्रुप बनाया है, ये 2 का ग्रुप बनाया, ये कभी भी सही नहीं होगा, ये गलत है आपका। किस प्रकार ग्रुप बनेगा देखिए, 1 ये चारों, तो 4 का एक ग्रुप बन गया है। अब बचा ये, तो ये इससे मैच कर लेगा, तो एक 2 का ग्रुप बन गया, तो एक 4 का ग्रुप बना, एक 2 का ग्रुप बना, तो इस तरह से आपका ग्रुप बनता है। अब नेक्स्ट आता है, ईच ग्रुप शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो जब भी ग्रुप बनाइए तो आपको देखिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप बन रहा है, कि बड़ा ग्रुप बनना चाहिए। छोटा ग्रुप आगे नहीं बनाइए, सबसे देखिए कि किसी भी केम ऐप में सबसे बड़ा ग्रुप कितना का मैक्सिमम बन रहा है, तो उस प्रकार आप लोग देखिएगा। तो देखिए 2-2 का ग्रुप बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है लार्ज ग्रुप बनने का, लेकिन 2-2 का बनाया हुआ है, तो इस तरह का ग्रुप नहीं बनाइएगा क्योंकि आपका गलत हो जाएगा। किस प्रकार बनेगा देखिए, एक तो ये 4 का बन रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 4 का बना लेंगे, और ये फिर 4 का बन रहा है, तो ये 4 का बना लेंगे। अब बच गया ए वाला, तो इधर से 2 और इधर से 2, तो इस प्रकार का आप लोग का ग्रुप बनाया जाता है। ये आपका सही तरीका है, सही वे है। तो ग्रुप भी जब भी बनाइए तो ये 4 रूल आपको दिमाग में रहना चाहिए। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, ताकि रूल आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और रूल जब तक समझ में नहीं आएगा, जब आप लोग ग्रुप नहीं बना पाइएगा। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। कह रहा कि ग्रुपिंग ऑफ सेल्स फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें कह रहा है कि एडजेसेंट सेल्स बीच हैव वन एस कैन बी ग्रुप टुगेदर इन 2s पावर। तो इसमें से आप लोग का ये 3 है, इसमें से एक आपका आ जाता है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है कि 4 एडजेसेंट सेल कैन बी ग्रुपेड तो क्वाड्स। तो इस प्रकार का आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, 2 एडजेसेंट सेल कैन बी ग्रुप्ड, तो उसको पेयर बोलते हैं। 8 सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑक्टल बोलते हैं। 4 को क्वाड्स बोलते हैं। तो इस प्रकार का आप लोग का एग्जाम में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में। तो अब आते हैं कि किस प्रकार का हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग करने का देखिए सही तरीका क्या है। अब हम लोग एक कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले 4 वेरिएबल का ये है, तो 4 वेरिएबल में कितना बनेगा, तो 4 वेरिएबल में आपका 2 के पावर 4 16 सेल बनेगा। तो सबसे पहले हम सेल को देखेंगे कि कितना सेल बनेगा, तो 2 के पावर 4 = 16 सेल। तो 16 सेल में मैंने बना लिया है। अब 4 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल नीचे, 2 वेरिएबल ऊपर। नीचे वेरिएबल का नाम देखिए, 0001 1110। तो 0 0 के क्या हो जाएगा, ए बार और बी बार। 01 को ए बार बी, 11 का ए बी, 10 का ए बी बार। तो इसी प्रकार ऊपर में भी है, तो आप लोग का दिया हुआ है 11111, यहाँ इतना दिया हुआ है। तो ग्रुप करने के लिए सिर्फ सिखा रहा हूँ अभी तत्काल। तो सबसे पहले ग्रुप हमको देखना है कि सबसे लार्ज वैल्यू पॉसिबल कितना का बन रहा है। तो इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा हमको बन रहा है 2 का, 2 से ज़्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा, तो ये 2 का बना लेंगे सबसे पहला ग्रुप। फिर 2 का देखेंगे तो यहाँ पे भी 2 का बन रहा है। अब बच गया हमारा एक और एक, तो यहाँ पे भी एक एक बन रहा है इसको, लेकिन ये बच जा रहा। तो इसको करने के लिए इसको और इसको ले लेते हैं, तो ये आपका एक ग्रुप बन जा रहा है। 3
ग्रुप बना आपका दो दो पेयर का। तो अब जब नॉर्म लिखना रहता है, इसका इक्वेशन कैसे लिखें, तो सबसे पहले देखेंगे क्या कह रहा था कि कंप्लीमेंट्री वेरिएबल को रिड्यूस कर देना है आपका केएमएफ का डिफिनेशन में, और लिखना है क्या क्या कॉमन वेरिएबल को सिर्फ लिखना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका नेम, तो इसमें देखेंगे कि इसको कॉमन वेला को कंप्लीमेंट्री वेरिएबल रिड्यूज होगा, तो कॉमन क्या है आपका ए बार, ख़त्म हो गया है ये ए बार सिर्फ लिखा है। अब इसमें देखेंगे ए वाला में, तो ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा ए इतना टोटल। अब प्लस क्यों, क्योंकि शॉप फॉर्म में लिख रहे हैं, पॉज फॉर्म में लिखते हैं तो दूसरे तरह से लिखते हैं प्रोडक्ट ऑप्शन में। अब आते हैं इस पे, तो इसमें देखिएगा ए बॉक्स किस में लाइज कर रहा है, तो ए दोनों में। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन कंप्लीमेंट्री वेरिएबल है, तो ए है, और कॉमन वेरिएबल आपका बी है, तो बी सी डी आपका नाम हो गया। अब इसमें देखेंगे तो ए और ए देखेंगे सबसे पहले, तो इसमें देखिए क्या है ए बी बार, और इसमें देखिए कि कौन कॉमन मिल रहा है, कॉमन वाला को हम लोग सिर्फ लिखते हैं तो डी बार मिल रहा है। तो ये आपका इक्वेशन निकल के आ गया आपका इतना। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप लगाते हैं और क्या करते हैं उसका नेमिंग लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे, तो नेक्स्ट एग्जांपल आपका है इतना, तो आपका नाम दिया हुआ है, अब ग्रुपिंग हम लोग लगाते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुपिंग लगाने का सोचेंगे, तो देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप हमको एक चार का लग रहा है। अब देखेंगे कि और चार का लग रहा तो लगाएंगे, और नहीं तो दो का लगाएंगे। तो देखेंगे कि हमको ए ए ए ए ए चारों मिलकर हमको एक ग्रुप बन रहा है चार का। तो इस प्रकार का आपका ग्रुप होता है। तो अब इसका नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका नाम हम लोग देखते हैं लिखते हैं, तो इसमें सबसे कॉमन मिल रहा आपका बी। अब ये दोनों में देखेंगे, ये दोनों में लग रहा ना, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो आपका डी प्लस। अब जब चारों का ये नाम लिखेंगे तो देखेंगे इसमें सबसे पहले तो क्या आ रहा है आपका ए बी बार। अब इसमें देखेंगे ये दोनों में तो आपका क्या आ जाएगा कॉमन डी बार। तो इस प्रकार आपका नाम होगा, और जितना बड़ा वेरिएबल बनेगा उतना छोटा नाम होगा। तो आठ का बनेगा तो एक ही वेरिएबल आपका होगा। अब नेक्स्ट आते हैं सबसे बड़ा देखेंगे, तो सबसे बड़ा देखिए कि ये मेरा आठ का बन रहा है, तो क्या बनता है ग्रुप एक का बनेगा या दो का बनेगा या चार का या आठ का। तो आठ सबसे बड़ा हमको ग्रुप बन गया। अब देखेंगे और भी आठ का बन रहा है या चार का बन रहा, तो देखेंगे कि मेरा आठ का और बन रहा, क्योंकि ये चार और ये चार मिलके आठ बन गया। हम लोग दोबारा भी ले सकते हैं क्योंकि उसको बड़ा बनाने के लिए, तो कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि एक आठ का बन गया और एक छूटा हुआ था इसको ही सिर्फ ले, नहीं इसको भी लेंगे चार और ये चार, क्योंकि आठ का मेरा पॉसिबल है। तो इस प्रकार ग्रुप बनाया जाता है। तो इस प्रकार अब हम लोग नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले ये बड़ा वाला का आठ का कितना होगा, ये तो कंप्लीमेंट्री वेरिएबल सबका जीरो हो जाएगा। अब इसका नाम लिखते हैं तो आपका सी बचेगा, क्या सिर्फ सी कॉमन है बस। अब ये इसका नाम लिखते हैं तो ये भी सब कंप्लीमेंट्री वेरिएबल से आपका सब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इसमें कितना तो डी बार। तो आपका ये नेम हो गया सी प्लस डी बार। अब आते हैं हम लोग इसको देखते हैं, तो सबसे बड़ा भरी आपका ग्रुप बनेगा वो बनेगा आपका चार का, तो चार का ये तो बन गया, और चार का बनेगा तो चार का एक इधर और एक ऊपर से बनेगा, ये चार का आपका बनेगा, और चार का बनेगा आपका एक ए और एक ए। तो आपका चार चार का तीन पेयर बना है, तो क्वाड्स बना है। तो इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम लिखिएगा तो आपका सिर्फ क्या आएगा ए प्लस बी बार, क्योंकि ये सब कंप्लीमेंट्री वेरिएबल के तहत ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसका नाम लिखना है, तो इसका में देखिएगा तो क्या आ जाएंगे बी बार, और इसका में देखिएगा तो क्या आ जाएगा डी, और इसका नाम जब लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा ए बार, और इसमें कॉमन जो रहेगा वो डी बार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग नाम लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सिंगल वेरिएबल,
तो सिंगल वेरिएबल को सिंगल सिंगल नाम लिखते हैं। एक डायगोनल में पेयर नहीं बनाएगा क्योंकि रूल में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो सिंगल सिंगल वेरिएबल को नाम लिखने के लिए क्या हो जाएगा, ए बार बी ए क्या सी बार डी प्लस इसका नाम लिखेंगे ए बी सी डी। तो इस प्रकार इसका नाम लिखा जाता है। अब लास्ट है आपका एक चार का वेरिएबल और एक चार का वेरिएबल, अब तो नहीं बनेगा। तो चार चार का दो पेयर बन गया, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन ए बार और इसमें कॉमन आ जाएगा क्या सी बार प्लस इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री के तहत ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ सी डी बार। तो इस प्रकार आपका पेयर बनाया जाता है और उसका नाम लिखा जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में और किस तरह से बनाया जाता है, टोटल का टोटल उसमें डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।